Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2003 की इटालियन फिल्म फेसिंग विंडोज के बारे में, जो कहानी है जियोवाना नाम की एक औरत की जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं, और तब उसकी जिंदगी में एक अनजान आदमी आता है जिस पर वो नजर रखने लगती है, और साथ ही उसकी दोस्ती एक ऐसे आदमी से होती है जिसे वो जानती भी नहीं, जिसके बाद उसका नजरिया बदलने लगता है। फिल्म की शुरुआत होती है 1943 के रोम में, जहां एक आदमी किसी बेकरी में काम करते हुए भागने की कोशिश करता है, पर उसके और वहां मौजूद दूसरे आदमी के बीच हाथापाई होती है और तब उसके हाथों खून हो जाता है, पर वो किसी तरह वहां से बच निकलता है। इस बात को काफी वक्त गुजर जाता है और वो इलाका अब बदल चुका है। उसी इलाके में जियोवाना नाम की एक औरत अपने पति फिलिपो के साथ रहती है और वो दोनों ही अपनी जिंदगी और अपनी नौकरियों से खुश नहीं, क्योंकि अपनी नौकरियों की वजह से वो एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो अपना नाम और पता भूल चुका है। फिलिपो उसकी मदद करना चाहता था, पर जियोवाना कहती है कि उनकी मदद के लिए वो लोग कुछ नहीं कर सकते, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। पर वो आदमी उन दोनों का पीछा करने लगता है, पर ये देखकर कि वो आदमी उन दोनों का पीछा कर रहा है, वो दोनों उसे अपने साथ घर ले जाते हैं और फिलिपो उससे बात करने की कोशिश करता है। घर पहुंचने पर फिलिपो उस आदमी को पुलिस स्टेशन ले जाता है और जियोवाना अपने बच्चों के साथ घर चली जाती है। जियोवाना की दोस्त जियोवाना की खिड़की के सामने रह रहे आदमी पर नजर रखती है, पर जियोवाना उसे ऐसा करने से रोकती है, पर फिर खिड़की बंद करते वक्त उसकी नजर उस आदमी पर पड़ ही जाती है। रात को जियोवाना देखती है कि फिलिपो अपने साथ उस बूढ़े आदमी को घर ले आया है, क्योंकि वो ज्यादा देर तक पुलिस स्टेशन में रहना नहीं चाहता था, और उस रात वो आदमी उसी घर में रहा। अपनी बेटी से जियोवाना को पता चला कि उस आदमी को अपना नाम याद आ गया है और उसका नाम सिमोने है। जियोवाना चाहती थी कि सिमोने वहां से चला जाए, क्योंकि वो एक अनजान आदमी है, पर ना तो फिलिपो और ना ही सिमोने ऐसा करने के लिए तैयार थे। और उस रात से जियोवाना उस आदमी पर नजर रखने लगी जो उसके घर के सामने रहता है। अगली सुबह सिमोने ने उन सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, जिससे सभी खुश थे सिवाय जियोवाना के, क्योंकि वो चाहती थी सिमोने वहां से चला जाए। जब दिन भर फैक्ट्री में काम करके जियोवाना घर वापस आती है तो देखती है कि सिमोने ने उसके बच्चों को एक वीडियो गेम कंसोल गिफ्ट किया है, और इस बात के लिए जियोवाना फिलिपो से झगड़ने लगती है। फिलिपो समझाता है कि सिमोने ने खुद उन्हें ये गिफ्ट दिया है, और फिर उसे पता चलता है कि सिमोने अब भी घर में है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि फिलिपो उसे अकेले पुलिस स्टेशन में छोड़ना नहीं चाहता था। उस रात जब फिलिपो नाइट शिफ्ट के लिए काम पर गया तो पहली बार जियोवाना और सिमोने की बात हुई। जियोवाना को केक बनाते देख वो उसे केक बनाने के अच्छे तरीके सिखाने लगा, और तब उसे याद आया कि वो ऐसे किसी इंसान को जानता था जो केक बना सकता है, और तब वो सिमोने को पुलिस स्टेशन ले जाती है। रास्ते में एक बार में अपनी दोस्त से मिलते वक्त उसे वही आदमी दिखा जो उसके घर के सामने रहता है, और कुछ देर बाद वो जियोवाना के पास आया और उसने कहा कि उसके साथ आया बूढ़ा आदमी बीमार है, और ये भी कहा कि वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वो आदमी जानता है कि जियोवाना उसके सामने वाली बिल्डिंग में रहती है, और उसे ये बताने के बाद वो दोनों सिमोने को ढूंढने निकल जाते हैं, और तब उन दोनों की जान पहचान होती है और वो आदमी अपना नाम लोरेंजो बताता है। कुछ देर बाद उन्हें सिमोने मिलता है जो जियोवाना की बातों का जवाब नहीं देता, और वो सब कुछ फिर से भूल चुका है। लोरेंजो उन दोनों को अपनी गाड़ी में घर तक ले जाता है, और रास्ते में सिमोने को उसकी यादें परेशान करने लगती है। उसे एक अनजान लड़की दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर जाता है। और कहने लगता है कि कुछ लोग उन्हें पकड़ने आ रहे हैं। जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकलकर सिमोने जब किसी इलाके में जाता है तो उसे एक छोटी बच्ची नजर आती है, और उसी के साथ एक औरत नजर आती है जिसे जबरदस्ती कहीं ले जाया जा रहा है। सिमोने को संभालकर लोरेंजो और जियोवाना पास के एक कैफे में जाते हैं, जहां वो लोरेंजो से उसके काम के बारे में पूछने लगता है, और फिर से सिमोने को पुरानी बातें याद आने लगती है। और
और उन यादों का पीछा करते हुए वो एक दुकान तक पहुंचता है और वहां पहुंचकर वो रोने लगता है। इसके बाद जियोवाना उसे घर ले जाती है, पर अब वो कोशिश करने लगती है कि सिमोने खुश रहे। उस रात लोरेंजो ने जियोवाना को कॉल किया और उन दोनों ने फोन पर सिमोने की बातें की, और कुछ देर बाद जियोवाना को समझ आया कि सिमोने को हर काम के लिए मदद की जरूरत पड़ेगी, और वो ऐसा ही करती है। वो आदमी जो खून करके भागा था वो कोई और नहीं सिमोने ही था, जिसने किसी गार्डन में एक पुतले के पीछे एक चिट्ठी छिपाई थी। सिमोने और जियोवाना के बीच दोस्ती होने लगती है, और जियोवाना बताती है कि वो बहुत सालों से फिलिपो के साथ है, पर शादी के बाद और बच्चे होने के बाद सब कुछ बदल सा गया है। सिमोने कहता है कि प्यार के रिश्ते की खूबसूरती तभी दिखाई देती है जब तकलीफों और बदलाव के बीच भी वो रिश्ता टूटता नहीं और उस रिश्ते को संभाला जाता है। तभी वहाँ उन्हें किसी गाने की आवाज आती है, और सिमोने और जियोवाना, जिन्हें डांस करना पसंद तो है पर कई सालों से कर नहीं पाए हैं, वो डांस करने लगते हैं। और इसी बीच सिमोने को कुछ याद आता है। सिमोने को एक आदमी याद आता है जो सिमोने को उसी तरह देखा करता था जिस तरह सिमोने उसे देखता था। अगले दिन जब फिलिपो सिमोने को पुलिस स्टेशन ले जाने की बात करता है तो इस बार जियोवाना उसे रोक लेती है, क्योंकि वो चाहती है कि सिमोने वहाँ कुछ और देर रहे। जब जियोवाना सिमोने के कपड़े लॉन्ड्री में देने जाती है तो वहाँ उसके कपड़ों में उन्हें कुछ चीजें और कुछ पत्थर मिलते हैं, और तब जियोवाना को लोरेंजो मिलने बुलाता है। जियोवाना की दोस्त चाहती है कि वो लोरेंजो के साथ एक अफेयर शुरू करे, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे पर नजर रखते हैं, पर उसकी बातें अनसुनी करके जियोवाना वहां से चली जाती है। सिमोने के बारे में पूछने पर वो लोरेंजो को बताती है कि रात को उसे सिमोने के हाथ में कुछ नंबर्स दिखे थे, जिसका मतलब ये है कि वो एक ज्यूइश है जिसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला गया था। और लोरेंजो बताता है कि पुलिस को किसी बूढ़े आदमी के गुमशुदा होने की खबर नहीं मिली है। सिमोने के बहाने वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं और एक दूसरे को जानने लगते हैं, और तब जियोवाना को पता चलता है कि लोरेंजो हर वक्त उसे देखता है और उसकी हर एक बात जानता है। वहाँ से वो दोनों उस दुकान में जाते हैं जिसके बाहर सिमोने रो रहा था, और उसके बारे में बताने पर वहाँ की मालकिन बाहर आती है और बिना कुछ कहे वापस चली जाती है। वहाँ काम करने वाली औरत बताती है कि उनकी मालकिन के भाई का नाम सिमोने था, पर कई सालों पहले उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मौत हो गई थी, इसलिए सिमोने का नाम सुनकर उसे हैरानी हुई। वहाँ से निकलकर जियोवाना को पता चला कि सिमोने घर पर नहीं है, और इस बात को लेकर उसकी और फिलिपो की बहस हो जाती है, जिसके बाद फिलिपो अपना आपा खो देता है। तब जियोवाना वो चिट्ठी पढ़ती है जो वो लोरेंजो को भी दिखाती है। वो चिट्ठी डेविड नाम के एक आदमी ने लिखी थी जो सिमोने से प्यार करता था, पर उन दोनों को अलग होना पड़ा। तब लोरेंजो कहता है कि उसे कुछ दिनों बाद ये जगह छोड़कर जाना होगा, पर अब वो अपने इस प्रमोशन से खुश नहीं है क्योंकि वो जियोवाना के साथ रहना चाहता है, और तब जियोवाना अपने आप को रोक नहीं पाती। फिलिपो को भी यह समझ आने लगा था कि जियोवाना उससे दूर जा रही है, पर इस बारे में वो कुछ कर नहीं सकता था। अगली सुबह जियोवाना डेविड को ढूंढने निकलती है, जो शायद जानता है कि सिमोने इस वक्त कहाँ है, और उसके घर पहुंचती है। पर उसके घर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि सिमोने ही असल में रईस डेविड वेरोली है जिसने वो चिट्ठी लिखी है, और तब डेविड जियोवाना को सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि जियोवाना की बेटी बार बार उससे उसका नाम पूछ रही थी, पर सिर्फ सिमोने का नाम था जो वो कभी भूल नहीं पाया था। वो असल में उस वक्त सब कुछ भूल चुका था, और जैसे ही उसे याद आया कि वो कौन है, वो उन्हें बिना कुछ बताए वापस अपने घर आ गया। डेविड ने वो चिट्ठी सिमोने के लिए लिखी थी, पर सिमोने कभी वो चिट्ठी पढ़ नहीं पाया, और जिस दिन वो जियोवाना से मिला उस दिन वो उस जगह जा रहा था जहां वो सिमोने से छिपकर मिला करता था, और जहां वो दोनों अपने मैसेजेस छोड़ा करते थे। कुछ देर बातें करने के बाद डेविड उसे कुछ चीजें चखने के लिए कहता है, और तब वो जियोवाना के अंदर का वो पैशन जगाता है जो शादी से पहले उसमें हुआ करता था, और सालों बाद वो अपना मनपसंद काम करती है, एक केक बनाती है। अपने घर जाने से पहले डेविड के घर काम कर रही औरत जियोवाना को बताती है कि डेविड एक पेस्ट्री शेफ हुआ करता था, और शहर की सबसे मशहूर केक शॉप डेविड की ही है। 1943 में डेविड ने उस औरत को और कई सारे लोगों को नाजीज से बचाया था, जिसके लिए उसे सम्मानित भी किया गया था। एक दिन जियोवाना को उसकी दोस्त कहती है कि लोरेंजो सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहता है क्योंकि वो शहर छोड़कर जाने वाला है, और इसीलिए उसे भी किसी रिश्ते की उम्मीद रखे बिना लोरेंजो के लिए वैसा ही सोचना चाहिए।
उस रात वो लोरेंजो के घर जाती है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, पर फिर जियोवाना को लोरेंजो की खिड़की दिखती है। और वहां से अपने घर की तरफ देखते हुए उसे फिलिपो और उसके बच्चे दिखाई देते हैं, और साथ ही उसे अपनी जिंदगी दिखाई देती है जिसे वो पीछे छोड़ने वाली है। पर बहुत देर तक सोचने के बाद वो ऐसा कर नहीं पाती और कहती है कि लोरेंजो की भी जिंदगी उसकी तरह हो जाएगी। लोरेंजो उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उसे वक्त देगा, क्योंकि उनके बीच कुछ नहीं बदलने वाला। पर जियोवाना फिर भी नहीं रुकती। कुछ दिनों बाद वो डेविड का सूट लेकर उसके घर जाती है, पर तब उसे पता चलता है कि डेविड पूरे दिन केक्स बनाता रहता है और उसका ध्यान सिर्फ उन्हीं पर रहने लगा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपनी जिंदगी की यादों में खो गया है। बेकरी में काम करते हुए उसे पता चला था कि उसके साथ काम कर रहा आदमी नाजी जासूस है और उस रात वहाँ के ज्यूस पर अटैक होने वाला है, और दूसरों को बचाने के लिए उसे उस आदमी का खून करके वहाँ से भागना पड़ा था। उस रात डेविड ने उन्हीं लोगों को बचाया जो उसके गे होने का मजाक उड़ाते थे और उसके और सिमोने के प्यार को समझ नहीं पाते थे। उन्हीं लोगों को बचाने की कोशिश में उसने सिमोने को खो दिया, क्योंकि उसे सिमोने और उन लोगों के बीच किसी एक को चुनना था। चाहे उसे सम्मान मिला हो, पर उसने अपने इकलौते प्यार को हमेशा के लिए खो दिया। डेविड जियोवाना को समझाता है कि इसीलिए उसे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और हो सकता है कि उनका पड़ोसी ही एक ऐसा जासूस हो जो उसकी जिंदगी तबाह करते। वो कहता है कि उसे वैसी जिंदगी नहीं काटनी चाहिए जिसमें वो असल में खुश ना हो, बल्कि उसका हक है एक बेहतर जिंदगी जीने का जहां वो हर वक्त खुश रहे। और डेविड की बातें सुनकर वो फिलिपो से बात करती है और उससे कहती है कि उसने अपना जॉब छोड़ने का फैसला किया है और वो एक पेस्ट्री शॉप में काम करना चाहती है। पहले तो फिलिपो उसका फैसला समझ नहीं पाता, पर वो जानता है कि जियोवाना ऐसा करने पर ही खुश रह पाएगी, और अपनी पत्नी के दिल की बात पहली बार सुनने पर फिलिपो अपने आप को रोने से रोक नहीं पाता। डेविड की मदद से जियोवाना ने वो बड़े फैसले लिए जो वो पहले कभी नहीं ले पाई, और अपनी शादी और बच्चों को संभालने की हिम्मत उसे मिल गई। उसकी दोस्त उसे बताती है कि लोरेंजो शहर छोड़कर जा रहा है। इस बात को जियोवाना अनसुना कर देती है, पर फिर अपने आप को लोरेंजो के पास जाने से रोक नहीं पाती। जब तक वो नीचे पहुंचती है तब तक देर हो चुकी थी, और लोरेंजो हमेशा के लिए जियोवाना की जिंदगी से चला गया था। कुछ वक्त बाद उसके सामने वाले घर में कोई और रहने आ गया। अब जियोवाना एक बेकरी में केक बनाने का काम करने लगी है, और फिलिपो भी उसके साथ वक्त बिताने लगा था। डेविड भी अब हमेशा के लिए वहां से चला गया था, पर जियोवाना को हर रोज उसकी याद आने लगी थी। पर अब उसे समझ आया है कि जब भी कोई हमारी जिंदगी से चला जाता है तो अपना एक हिस्सा हमारे पास छोड़ जाता है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, और वही हिस्सा यादें बनकर रह जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।